कि आओ मैं बोध कराता हूँ विंध्याचल की वीरांगना की गाथा तुम्हें सुनाता हूँ। कि गूंज रहा था यश कलिजा उस वीरवती शतरानी का, दुर्गावते गॉडवानी स्वाभिमानी रानी का। उपजे हैं वीर अनेकों विंध्याचल की माटी में, दिए हैं कई रक्त देश को माँ रेवी की घाटी ने। कि उनमें से एक अनोखी गढ़ मंडल की रानी थी, गुड़ी साहसी साहसी योद्धा धर्म निष्ठा कल्याणी थी, युद्ध भूमि में मर्दानी थी, पर ममताई माता थी, प्रजावत्सले गॉड राज की समक्ष भाग्य विधाता थी। कि दूर दूर तक मुगल राज्य भारत में बढ़ता जाता था, कि दूर दूर तक मुगल राज्य भारत में बढ़ता जाता था, हर एक दिशाओं में चमकता सूरज सा चढ़ता जाता था। कि राज्य विस्तार मार्ग में जो भी राज्य हटता था, बादशाह अकबर की आंखों में वह बहुत खटकता था। कि एक बार रानी को उसने स्वर्ण करला भिजवाया राज्य सभा को, पर उसका कड़वा निहित ना भाया। बदले में रानी ने सोने का एक पिंजरा भिजवाया और कूट संकेत रूप से आगरा पहुंचाया। दोनों ने समझी दोनों की अपट संकेत भाषा, बड़ा क्रोध अकबर का रानी से न था वंचित आशा। कि एक तो था मेवाड़ी प्रतापी अरावली सा अडिक महान, और दूजा उठा गोडवान बना विंध्याचल की पहचान। अरे घने वनों पर्वत नदियां से गॉड राज्य था हरा भरा, लोग सुखी थे धन वैभव था समुचित संपन्न धरा। आती है जीवन में विपदाएं प्राय बिना कहे, राजा दलपत सा अचानक बीमारी से नहीं रहे। पुत्र वीर नारायण बच्चा था जिसका था तब तिलक हुआ, विधवा रानी पर खुद इससे रक्षा का था आन पड़ा जुआ। रानी की शासक क्षमता सूझबूझ से जल करके अकबर ने आसम खां को तब सेना दे भेजा। बड़ी मुगल सेना को भी रानी ने बढ़कर ललकारा, आसफ खां सेनानी को भी 3 बार उसे हराया। कि 3 बार हार कर आसफ खां रानी से लेने बदला नई फौज से बढ़ते बढ़ते जबलपुर तक आदम का। तब रानी ने अपनी सेना के हाथी पर स्वत सवार हो युद्ध क्षेत्र में रणचंडी सी उतर ले करके तलवार, और युद्ध हुआ चमकी तलवारे सेनाओं ने किया। कि युद्ध हुआ चमकी तलवारे सेनाओं ने किया प्रहार, लगे भागने मुगल सेनानी खा गौड़ी सेना की मार। कि तभी अचानक पासा पलटा छोटी सी घटना के साथ, काली घटा गॉड वनों पर छाई कि जो हुई बरसात। कि भूमि बड़ी उबड़ खावड़ थी, महीना था पाषाण, बादल छाए अति वर्षा हुई, नारी नाले थे बाढ़। छोटी सी सेना रानी की वर्षा के थे प्रबल प्रहार, तेज धरा में हाथी आगे बढ़ ना सका नाले के पार। तभी फंसी रानी को आकर लगा आंख में तीखा वार, सारी सेना हतप्रभा हो गई, विजय आशा हो गई मराल, और सेना का नेतृत्व संभाले संकट में भी अपने हाथ। लड़ने को आई थी रानी लेकर साहस अतम विश्वास, कि फिर भी निधड़क रही बढ़ती सभी सेनाओं की वह आस। बाण निकाला स्वयं हाथ से यदि भी हार का था आवाज, क्षण में सारे दृश्य बदल गए, बढ़े जोश और हाहाकार, दुश्मन के दस्ता बढ़ाए हुई सेना में चीख पुकार। कि गिर गई रानी जब अनजानी रहा ना स्थिति पर अधिकार, तब सम्मान सुरक्षित रखने किया कटार हृदय के पार। कि स्वाभिमान सम्मान ज्ञान है माँ रेवी के पानी में, जिसकी आभा साफ झलकती मंडला की रानी में। मोहबे की बेटियां थी रानी मंडल में ब्याही थी, कि मोहबे की बेटिया थी रानी गढ़ मंडल में ब्याही थी, सारे गौरव वन में जन जन से जो गई सहारी थी। आज समय विधवा हुई थी रानी माँ बन, भरी जवानी में दुख की कई गाथाएं भरी है उसकी एक कहानी। कि दुख की कई गाथाएं भरी है उसकी एक कहानी में, कि जिकर दुख में अपना जीवन था जनहित जिसका अभियान। 24 जून 1564 में इस जग को किया प्रणाम, और समाधि है अब भी रानी की न्यारी नाला के उस पार, गौरव नदी के पार जा हुई गौड़ों की मुगलों से हार। और इस लाइन पे गौर करिएगा कि कभी जीत भी यश नहीं देती और कभी जीत बन जाती हार। बड़ी जटिल है जीवन की गति, समय जिसे दे जो बहार। कभी दगा देती है दुनिया कभी दगा देता आकाश, अगर ना बरसा होता पानी तो कुछ और हुआ होता इतिहास। कि अगर ना बरसा होता पानी तो कुछ और हुआ होता इतिहास।